नमस्कार दोस्तों, इट्स अबाउट एवरीथिंग में आपका स्वागत है। और इस एपिसोड में मैं ओरेवा ई बाइक्स की बैटरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उन सब के बारे में बताने वाला हूँ। तो ओरेवा ई बाइक की जो बैटरी है वो बेसिकली लेड एसिड बैटरी है, और इन टाइप की बैटरी में दो ही सिम्टम्स ख़राब होने से पहले दिखाई दिया जाता है, जो कि है पहला है कंटिन्यूस चार्ज होते रहना, कि लगातार चार्ज होते रहता है और जो चार्जर है ऑटो कट नहीं करता, वो फुल चार्ज होने के बाद जो कट हो जाता है वो सिस्टम काम नहीं करता। और दूसरा वाला सिम्टम है जो बैटरी के बहुत ख़राब होने के बाद होता है, वो है कि बैटरी चार्ज में लगाते ही फुल चार्ज फर्न हो जाता है, करीब 15-20 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बैटरी का चार्जर है, जो दाएं तरफ वाला चार्जर है ओरिजिनल चार्जर है, और बाएं तरफ वाला मैंने अलग से लिया था। दाएं तरफ वाला चार्जर है तो वो मैंने समझा था कि सोचा था पहली बार कि ख़राब हो गया है, लेकिन दरअसल ये ख़राब नहीं हुआ था, ये बैटरी का प्रॉब्लम था। तो यहाँ पर जो मैं प्रॉब्लम अभी दिखाने वाला हूँ वो है दूसरा वाला प्रॉब्लम, जो कि चार्ज पर लगाते ही फ़ौरन चार्ज हो जाता है, और जब आप चार्ज से खोलते हैं और स्कूटर को चलाने की कोशिश करते हैं तो लोड पड़ते ही एक्सेलेटर को घुमाते ही आपका बैटरी फ़ौरन डाउन हो जाता है। तो ये समस्या इसलिए होता है वो है कि बैटरी, इसके अंदर चार बैटरी है, 12 वोल्ट की चार बैटरी है, 24 एम्पियर का एक बैटरी, इस हिसाब से चार बैटरी 12 वोल्ट का मिलकर होता है 48 वोल्ट। तो उन चारों बैटरी में से अगर कोई भी एक बैटरी ख़राब हो, या फिर हर बैटरी में 6 सेल होते हैं, तो यहाँ पर हुआ 24 6 सेल करके चार बैटरी में हुआ 24 सेल। तो उन 24 सेल में अगर कोई भी एक सेल ख़राब हुआ तो पूरा वोल्टेज जो है सीरीज़ का, वो पूरा वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा और बैटरी का लो वोल्टेज दिखाकर आप चला नहीं पाएंगे। लेकिन जो लोड पर ना होने पर, जब आप लोड से इसे हटा देंगे और बैटरी पर लोड नहीं होगा, तो ये फ़ौरन फुल चार्ज दिखाने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैंने ऑन किया तो स्कूटर को एक्सेलेटर घुमाते ही फ़ौरन जो लाइट है वो रेड हो गया, इसके मतलब चार्ज हो रहा है। लेकिन जैक को खोल कर मैंने जब दोबारा लगाया तो वो जो लाइट है चार्जर का वो ग्रीन हो गया, ग्रीन का मतलब है कि फुल चार्ज है। तो यहाँ पर मैंने लोड के हिसाब से, लोड देने के लिए मैंने एक्सेलेटर को ऑन करके एक्सेलेटर को घुमाया, तो उससे जो मोटर का जो लोड है वो लोड पड़ते ही बैटरी का जो वोल्टेज है वो बहुत नीचे गिर जाता है और चार्जर से वो वोल्टेज खींचने लगता है, तो चार्जर फर्न ऑन हो जाता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। यहाँ पर मैं बैटरी बॉक्स को खोलने वाला हूँ और खोल के आपको दिखाने वाला हूँ कि बैटरी किस कंडीशन में है। तो इसके अंदर जो कंपनी से जो बैटरी लग के आता है वो एम टेक का किसी कंपनी का है, ग्रीन कलर की बैटरी है, आपको अमेजन पर मिल जाएगा ये बैटरी। तो चार बैटरी लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर लोकली ये बैटरी मिलता नहीं है, और अमेजन के प्राइस पर ये बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर जो बैटरी यहाँ पर मिलता है वो है चाइनीज़ बैटरी है, जो कि करीब रेड या ब्राउन कलर का बैटरी है। तो चाइनीज़ जो बैटरी है वो हमने लगाया था। तो पहला जो बैटरी था कंपनी का वो करीब 2 साल चला था, और ये बैटरी को लगाए हुए करीब 1.5 साल ही हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो 1.5 साल में ही बैटरी एकदम ख़राब हो गया है, तो चाइनीज़ का जो बैटरी है वो इतना अच्छा नहीं है। तो जब आप ई बाइक्स या फिर स्कूटर चलाते हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, वो है जब आप चार्ज में डालते हैं तो चला कर आने के बाद फ़ौरन चार्ज में ना डालें, करीब आधा घंटा या एक घंटा उसे रख दे, क्योंकि जो बैटरी है उससे पावर ड्रेन होने के कारण वो गर्म रहता है, तो उसे ठंडा होकर रूम टेम्परेचर तक आने का थोड़ा वक्त दे, तो उसे करीब आधा घंटा या एक घंटा छोड़ दे, फिर उसके बाद चार्ज में बिठाए। और फुल चार्ज होने के बाद जब आप कहीं पर जाएंगे इसे लेकर, तब चार्ज से प्लग को हटाकर विदाउट चार्ज करीब आधा घंटा एक घंटा रख दे, क्योंकि चार्ज, जब बैटरी चार्ज होता है तब भी वो गर्म होता है और जब डिस्चार्ज होता है तब भी गर्म होता है, तो उसे ठंडा होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर सस्ता बैटरी है, जैसे कि यहाँ पर हमने लगाया था चाइनीज़ बैटरी, तब तो ये बैटरी के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे कि ये बैटरी जो है वो पहले तो चार्ज होता ही रहता था, तो 6 घंटे 7 घंटे फिर 12 घंटे चार्ज करके भी फुल चार्ज नहीं होता था। फिर उसके बाद जब 2-3 दिन पहले जब इसे हम चलाने की कोशिश किया तो चल ही नहीं रहा है, तो उसके बाद खोल के देखा तो बैटरी, आप देख सकते हैं फूल गया है बैटरी, और ओवर चार्ज होने के कारण जो बैटरी है वो ऊपर से थोड़ा मेल्ट भी हो गए हैं। तो ये क्लियर सिम्टम है कि बैटरी ओवर हीट हो रहा था,
तो यहाँ पर पहला और दूसरा वाला सिम्टम दोनों ही था कि पहला वाला जो चार्ज होता रहता था और ओवर हीट हो गया, और फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरा, इलेक्ट्रोलाइट में जो एसिड होता है उसमें जो पानी होता है वो पूरा भाप बन के उड़ गया। तो इसके कारण बैटरी तो फुल वोल्टेज दिखाता है लेकिन लोड पड़ने पर उसका वोल्टेज फौरन ड्रॉप कर जाता है। तो उसके बीच में जो दो बैटरी है, चार बैटरी में से वो दो बैटरी में एकदम वोल्टेज लोड पड़ते वोल्टेज 6 वोल्ट या फिर 8 वोल्ट, 6 या 8 के बीच में इसका वोल्टेज आ जाता है। और पहले वाला बैटरी और एकदम लास्ट वाला बैटरी वो थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन स्कूटर पर चलेगा नहीं, तो पूरा बैटरी का पैक जो है वही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये चाइनीज़ का बैटरी तो करीब 12-13 हज़ार रुपये का आता है, और कंपनी का जो बैटरी है उससे लगभग इसी प्राइस का ही होगा कंपनी के पास, लेकिन हमारे यहाँ पर ये नहीं मिलता है और अमेज़न पर उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है प्राइस पर। तो यहाँ पर जितने भी लोग ये स्कूटर चलाते हैं वो सभी यही बैटरी खरीदते हैं। तो आप, मैंने यहाँ पर जिन बातों का ध्यान रखने के लिए कहा है वो ध्यान रखें, ओवर चार्ज ना करें, और चार्जर पर ध्यान रखें कि अगर आपका स्कूटर 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे या फिर 12 घंटे चार्ज होने के बाद भी फुल चार्ज होकर चार्जर ऑटोमेटिक बंद नहीं हो रहा है तो आप उसे इसे मैकेनिक को दिखाइए या फिर इसे इसके शोरूम पर दिखाइए, जो इस पर काम कर सकता है उन्हें दिखाइए। नहीं तो अगर बहुत देर हो गया तो आपका बैटरी पूरी तरीके से डैमेज भी हो सकता है, जैसे कि इस केस में बैटरी पूरी तरीके से डैमेज हो गया। मैं यहाँ पर एक हाथ से कैमरे को पकड़े हुए हूँ इसलिए मुझे बैटरी का वोल्टेज टेस्ट करने में थोड़ा मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैंने ऑफ कैमरा सारे वोल्टेज को टेस्ट किया और मुझे पता लगा कि दो बैटरी बीच का जो है वो ख़राब है। तो ये वीडियो यहीं तक था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।